जिला तैराकी संघ नीमच और नगर पालिका परिषद के सहयोग से 1 जून से 4 जून 2023 तक 51वीं स्टेट एक्वेटिक तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 100% ऑनलाइन प्रविष्टियां हुई हैं। प्रतियोगिता 5 कैटेगरी में सम्पन्न होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के 20 जिलों से 500 तैराक हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा 100 लोग मैनेजमेंट, टेक्निकल ऑफिशियल, कोच एवं अन्य व्यवस्था से जुड़े रहेंगे। 5 लाइव कार्ड तैनात किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश तैराकी संघ द्वारा पिछले दिनों एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। नीमच का नाम खेलकूद के क्षेत्र में फुटबॉल के बाद अब तैराकी में भी प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ से सिद्धार्थ सिंह जादौन जैसे खिलाड़ियों का नाम उभर कर सामने आ रहा है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए भी सिद्धार्थ जादौन सिलेक्ट हो। इस अवसर पर तैराकी संघ के संरक्षक राकेश अरोरा, अभिनव राजा चौरसिया उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं नगर पालिका नीमच और जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष अशोक जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये प्रतियोगिता हमारी 51st एक्वेटिक चैम्पियनशिप है, मतलब पिछले 51 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। इसमें हमारा एक साल बस कोरोना काल का मिस हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो फोकस रहता है कि हम नए जिले और छोटे जिलों में भी जाएँ, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के बाहर निकल के भी टूर्नामेंट करें, तो वो हम यहाँ देखने को मिल रहा है। हम 12 साल बाद नीमच फिर से आ रहे हैं। 12 साल पहले जब हम आए थे तो हम यहाँ से एक सितारा लेके गए थे जिसने नेशनल लेवल पे भी नाम कमाया। उससे फ़र्क ये पड़ा कि हमें 3-4 खिलाड़ी और मिले। मुझे उम्मीद है इस बार हम जब यहाँ से टूर्नामेंट ख़त्म करके जाएंगे तो कम से कम 7 से 10 खिलाड़ी हमें नेशनल लेवल पर यहाँ से मिलेंगे और इससे खेल को यहाँ बहुत लंबा बढ़ावा आएगा। यहाँ पर हमारे करीब करीब 4 दिन में 146 इवेंट स्विमिंग के होंगे, डाइविंग के इवेंट्स होंगे और वाटर पोलो के इवेंट्स होंगे, जिसमें 20 जिले के 550 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 430 बच्चे हमारे स्विमिंग में हैं, 18 बच्चे डाइविंग में हैं और बाकी के बच्चे हमारे 40 के आसपास वाटर पोलो के रहे। ये इसमें हमारे वैसे तो नेशनल लेवल पर हमारे सीनियर के अलावा 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, पर हम लोग छोटे बच्चों को बढ़ावा देने के लिए अंडर 9 भी यहाँ कर रहे हैं, तो ग्रुप 4 भी यहाँ है। तो कुल मिला के 5 कैटेगरी के बच्चे हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। इसी के माध्यम से हमारे नेशनल्स जो हैदराबाद और उसके बाद सब जूनियर जूनियर सीनियर नेशनल हैदराबाद में हो रहे हैं, जूनियर सब जूनियर उड़ीसा में भुवनेश्वर में होंगे, उसके लिए हम राष्ट्रीय टीम राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए भी हमारी स्टेट टीम का सिलेक्शन यहीं से किया जाएगा। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। साउथ के स्टेट्स जो हैं उनके प्लेयर्स बेहतर इसलिए क्योंकि वो 12 महीने वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ ठंड के दिनों में भी स्विमिंग पूल चालू रहता है। जैसे जैसे अपन नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ ठंड में बच्चे स्विमिंग पूल पे आते नहीं हैं, ये लोग आना चालू करते हैं फरवरी मार्च से और तब एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो अपन ये माने कि मध्य प्रदेश का बच्चा 2 से 2.5 महीने ही प्रैक्टिस करता है साल में, और हम उन लोगों से पार्टिसिपेट करते हैं जो 9 से 11-12 महीने तक साल में प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर भी मेरा मानना यह है कि यहाँ टैलेंट बहुत अच्छा है, हमारी एसोसिएशन बहुत पारदर्शिता से काम करती है। देश में कुल पहली 5 एसोसिएशन ऐसी होंगी जिनकी खुद की वेबसाइट चल रही हो, सारे रिजल्ट्स वेबसाइट पे डले हों। तो इस तरीके से जब हम पारदर्शिता से काम करते हैं और हमें जब नेचुरल टैलेंट मिलता है तो हम साउथ के स्टेट से भी आज कंपटीशन करने की पोजीशन। देखिए, मेरे को पूरा विश्वास है कि सीनियर लेवल पे कम से कम एक बच्चा ना सिर्फ इंडिया टीम में सेलेक्ट होगा बल्कि राष्ट्र के लिए एशियन गेम्स में मेडल भी लाना चाहिए। और सब जूनियर लेवल के आपके यहाँ का सिद्धांत सिंह जादौन से मेरे को बहुत उम्मीद है, आपके नीमच का ही बच्चा है, वो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में उसका सिलेक्शन की हम लोग पूरी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस पर्टिकुलर डे वो इतना अच्छा परफॉर्म करे, उसका सिलेक्शन हो जाए। उसमें पोटेंशियल है पर उस दिन वो कैसा परफॉर्म करता है ये डिपेंड करेगा। एक हमारे RNV गणेश भोपाल का बच्चा है, वो दो बच्चे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये दोनों इंडिया टीम में क्वालिफाई करने चाहिए। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन रोशन की रिपोर्ट।